गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में ऊ ऊंट का ऊ। तो ऊ ऊंट का ऊ कैसे बनाते हैं? तो पहले हम ये आधा सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम ये सर्कल बनाएंगे लेकिन उसे थोड़ा ऊंचा ले जाएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक सर्कल रहेगा आधा ऊपर लाइन, ठीक है। अब ऊ से हम शब्द बनाएंगे, तो ऊ से हमारा पहला शब्द क्या होगा? ऊ से ऊन। ऊन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऊन, डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू डबल ओ एन। ऊ से दूसरा शब्द क्या है? ऊंट। ऊंट का स्पेलिंग क्या होगा? सी ए एम ई कैम, यानी कि कैमल। ऊंट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैमल, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिख रहा है, यहाँ पर नीचे आप लोगों को जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को नीचे लिखना है। यहाँ पर आपको पूरा क से ज तक है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमें ऊ से जो शब्द बनते हैं वो लिखने हैं। तो पहला शब्द क्या है? आलू। दूसरा शब्द है भालू। उसके बाद तीसरा शब्द है दूध। चौथा शब्द है पूजा। पांचवा शब्द है फूल। उसके बाद लास्ट है खजूर, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा? ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। तो इसी तरह आप लोगों को भी नीचे जो शब्द दिए गए हुए हैं वो आपको जो लिखा ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह से नीचे भी लिखना है और घर जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।